जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट हो चुका है और आज हम हिंदी में पढ़ने वाले हैं प्रयोगवाद की महत्वपूर्ण रचनाएं। ठीक है, इसके पहले हमने प्रगतिवाद को भी पढ़ लिया, ठीक है, छायावाद को भी पढ़ लिया। अब दोस्तों हम प्रयोगवाद के बारे में पढ़ेंगे। जिन भी साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और ये अपना व्हाट्सअप नंबर है दोस्तों, व्हाट्सअप ग्रुप का 9098609291, तो आपको व्हाट्सअप ग्रुप से अवश्य जुड़ना है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है। ठीक है, और जो भी साथी चैनल के ज्वाइन मेंबर बन सकते हैं वो ज्वाइन मेंबर आपको जरूर बनना है। ठीक है, स्टार्ट करेंगे आज का ये वीडियो। सबसे पहला जो आपका जो रचना है दोस्तों, प्रश्न है, वो है मैं वक्त के हूँ सामने की रचनाकार कौन है। 2 सेकंड आपको दिए जाएंगे, आपको उत्तर बताना है। मैं वक्त के हूँ सामने की रचनाकार कौन है, गिरजा कुमार माथुर, भवानी प्रसाद मिश्र, शमशेर बहादुर या फिर अज्ञे। तो मैंने आपको कई बार याद करवाया हूं दोस्तों कि वक्त के सामने क्यों खड़े हो गिरजा, वक्त के सामने क्यों खड़े हो गिरजा हो भाई, तो किसकी हो जी, गिरजा तो गिरजा कुमार माथुर की, यानी कि ये नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों आपको पता है कि इसे 1991 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है, मैं वक्त के हूँ सामने के लिए गिरजा कुमार माथुर की रचना है और इसे 1991 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्लाट का मोर्चा के रचनाकार कौन है। अब 2 सेकंड आपको दिए जाते हैं और दोस्तों प्लाट के मोर्चे में कोई सियार को उतारोगे कि शेर को उतारोगे, जल्दी से बताना है। प्लाट के, बोले सर बेटा प्लाट के मोर्चे में मैं सियार को नहीं शेर को उतारूंगा, यानी कि प्लाट का मोर्चा शमशेर बहादुर, किसकी होगी रचना, शमशेर बहादुर का। अब याद रखना है आपको, प्लाट के मोर्चे में सियार को नहीं शेर को उतारना है, तो शमशेर बहादुर यानी सा नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है दोस्तों गीत फरोश के रचनाकार कौन है। गीत फरोश, 4 विकल्प है, 2 सेकंड आपको दिए जाते हैं। दोस्तों हमें किसके गीत गाना है, हमें गीत गाना है भवानी के, किसके गीत गाना है, भवानी के गीत गाना है, तो गीत फरोश रचना के रचनाकार कौन होंगे, कौन होंगे, भवानी प्रसाद मिश्र, यानी कि आपका जो विकल्प नंबर बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, बी नंबर, 1956 की रचना मानी जाती है। और अगला है दोस्तों आंगन के पार द्वार के रचनाकार कौन है, और 4 विकल्प हैं और आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि आंगन के द्वार पर कौन खड़े हैं, अज्ञे खड़े हैं, आंगन के द्वार पर अज्ञे खड़े हैं और ये रचना अज्ञे की है, ये भी आपको याद रखनी है। ठीक है, चांद का मोह टेढ़ा के रचनाकार कौन है। दोस्तों 4 विकल्प हैं, मैं आपको बता दूं कि अगर व्यक्ति को मुक्ति, व्यक्ति की मुक्ति हो जाए तो उसका जो मोह होता है वो सीधा नहीं रहता, ऐसा हो जाता टेढ़ा, चांद का मोह टेढ़ा, मुक्ति मिल गई तो चांद का मोह टेढ़ा हो जाता है, तो चांद का मोह टेढ़ा ये रचना किसकी होगी, मुक्ति बोध, यानी कि आपका जो सा नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है ठंडा लोहा के रचनाकार कौन है। ठंडा लोहा, दोस्तों आपको पता है कि लोहा कितना भी गर्म हो, है ना, कितना भी गर्म हो धर्म के पास आते ही ठंडा हो जाता है ना, लोहा कितना भी गर्म हो धर्म के पास आते ही क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है लोहा, तो उत्तर आपका सही क्या होगा, धर्मवीर भारती, ये ठंडा लोहा रचना है धर्मवीर भारती, यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, काठ की घंटियां के रचनाकार कौन है। दोस्तों काठ की घंटियां, अब 4 विकल्प हैं, गिरजा कुमार माथुर, धर्मवीर भारती, सर्वेश्वर बहादुर, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना या फिर अज्ञे। अब एक चीज बताना, काठ की घंटियां यानी कि बहुवचन में शब्द है, घंटियां यानी बहुत सी घंटियां। अब काठ की घंटियां हैं दोस्तों, तो इनका हमें क्या करना पड़ेगा, सर्वे करना पड़ेगा कि कितनी घंटियां हैं, सर्वे करोगे कि ऐसे ही बता दोगे कि 5 हैं कि 10 हैं, पहले काठ की घंटियां का हमें सर्वे करना है, तो काठ की घंटियां के रचनाकार कौन होंगे, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। ठीक है, कुआनो नदी भी इनकी रचना है। ठीक है, ये भी आपको याद रख लेनी है, काठ की घंटियां, जंगल का दर्द भी इन्हीं की रचना है। ठीक है, खूंटियों पर टंगे लोग भी इन्हीं की रचना है, इनको याद रख लेना है, सिर्फ सर्वे आपको याद करना, सर्वे काठ की घंटियों का सर्वे करना है। बुनी हुई रस्सी के रचनाकार कौन है। दोस्तों आपको पता है दोस्तों, जब आप जाते हो कहाँ, भवानी के मंदिर में जाते हो, भवानी के मंदिर में, तो वहाँ पर इस प्रकार से आपको एक बुनी हुई रस्सी मिलती है,
है ना, हाथ में बांधने के लिए पचरंगा धागा है, बुनी हुई रस्सी आपको भवानी के दरबार में मिलती है। कहाँ मिलती है? भवानी के दरबार में। बोले सर भवानी के दरबार में तो बुनी हुई रस्सी मिलती है, तो ये बुनी हुई रस्सी के रचनाकार कौन होंगे? भवानी प्रसाद मिश्र, यानी डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगली है दोस्तों, महावृक्ष के नीचे 1977 के रचनाकार कौन है? गिरजा कुमार माथुर, धर्मवीर भारती, अज्ञे या फिर भवानी प्रसाद मिश्र। महावृक्ष के नीचे, है ना, हम बोलते नहीं है कि वहां वृक्ष के नीचे कौन सोया है, आप बोलोगे अज्ञे, पता नहीं, वहां वृक्ष के नीचे, महावृक्ष के नीचे या फिर वहां वृक्ष के नीचे कौन सोया है, अज्ञे, पता नहीं, अज्ञे, तो ये अज्ञे की रचना है, महावृक्ष के नीचे अज्ञे। ठीक है, सा नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है सपना अभी भी के रचनाकार कौन है? 2 सेकंड आपको दिए जाते हैं दोस्तों। सपना अभी भी है काय का? धर्म करने का। सपना अभी भी है धर्म करने का, तो धर्मवीर भारती, यानी उत्तर आपका सही क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर बी। ठीक है, आपने पढ़ा होगा दोस्तों गुनाहों का देवता, सपना अभी भी है, ठंडा लोहा, ये सारी रचनाएं धर्मवीर भारती की हैं, जिनको हमने ट्रैक से कई बार याद करवाया है। खूंटियों पर टंगे लोग, अब दोस्तों एक चीज बताना कि खूंटियों पर टंगे लोगों का हमें क्या करना पड़ेगा? सर्वे करना पड़ेगा, तब हमें पता चलेगा कि खूंटियों पर कितने लोग टंगे हैं। तो खूंटियों पर टंगे लोग का क्या करना है? सर्वे। तो सर्वे सुरदयाल सक्सेना की ये क्या हो जाएगी? रचना हो जाएगी। ठीक है, अगला है शिलापंख चमकीले के रचनाकार कौन है? दोस्तों एक पक्षी था, उसने बोला कि मेरे जो शिलापंख थे वो बहुत चमकीले थे, अब क्या हो गए हैं? गिर गए हैं, है ना। आपने जटायु का नाम सुना होगा, बोले मेरे पंख शिला चमकीले थे, अब गिर गए हैं, गिर गए, है ना। तो शिलापंख चमकीले, ये किसकी रचना होगी? गिरजा कुमार माथुर। गिरजा कुमार माथुर, यानी कि ए नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है कामायनी एक पुनर्विचार की रचनाकार कौन है? दोस्तों आपको पता है कि कामायनी एक पुनर्विचार, और बहुत सारे लोग मुक्ति के लिए कहते हैं, मुक्ति मिल जाए भगवान एक बार पुनर्विचार कर लो, है ना। कामायनी पुनर्विचार, कामायनी एक पुनर्विचार, काय के लिए? मुक्ति के लिए एक पुनर्विचार, तो मुक्तिबोध की रचना हो जाएगी कामायनी एक पुनर्विचार। चांद का मोह टेढ़ा भी इन्हीं की रचना है, ये आपको याद रखनी है। अगला है दोस्तों दोआब के रचनाकार कौन है? दोआब, 4 विकल्प हैं, और दोआब के जो रचनाकार होंगे वो कौन हो जाएंगे? वो हो जाएंगे शमशेर बहादुर। शमशेर बहादुर यानी सा नंबर, है ना। दोआब भी इन्हीं की रचना है, प्लाट का मोर्चा भी इन्हीं की रचना है, और शमशेर बहादुर को दोस्तों कवियों का कवि कहा जाता था। आपसे क्वेश्चन बनता है कवियों का कवि किसे कहा जाता था, तो आप बता देना शमशेर बहादुर को। ठीक है, खुशबू के शिलालेख के रचनाकार कौन है? दोस्तों खुशबू के शिलालेख, है ना, किसने देखे? भवानी ने देखे। खुशबू के शिलालेख भवानी ने देखे, तो खुशबू के शिलालेख के रचनाकार कौन होंगे? कौन हो जाएंगे? भवानी प्रसाद मिश्र। ठीक है, खुशबू के शिलालेख किसने देखे? भवानी ने, तो भवानी प्रसाद मिश्र खुशबू के शिलालेख। ठीक है, अगली रचना है दोस्तों भग्नदूत के रचनाकार कौन है? भग्नदूत, अगर मैं आपसे पूछूं कि कितने दूत भग गए, भग्नदूत, भग्नदूत यानी कि भग्न तो भग गए, दूत भग गए, है ना, तो कितने दूत भग गए? तो आप बोलोगे सर अज्ञे, पता नहीं कितने दूत भग गए, है ना। तो ए, है ना, ए हो जाएगी अज्ञे की रचना भग्नदूत। ठीक है, अगला है भूरी भूरी खाक धूल के रचनाकार कौन है? दोस्तों आपको पता है कि जब व्यक्ति को मुक्ति मिल जाए तो उसकी ये जो भूरी भूरी भूरा भूरा शरीर है, ये सब खाक धूल में मिल जाता है। भूरा भूरा शरीर खाक धूल में मिल जाता है जब मुक्ति मिल जाए, तो ये भूरी भूरी खाक धूल रचना के रचनाकार कौन होंगे? कौन हो जाएंगे? मुक्ति, क्योंकि मुक्ति मिल जाए तो भूरी भूरी खाक धूल, है ना। अगला है दोस्तों धूप के धान के रचनाकार कौन है? और धूप के धान आपको पता है दोस्तों, आप अगर गांव में रहते हैं तो धान अगर अच्छी बारिश हो जाए और मिट्टी बहुत ऐसी हो जाती, बहुत पानी हो जाता है मिट्टी में, तो धान गिर जाती है। धान क्या हो जाती है? गिर जाती है। तो धूप के धान, धान बोले सर गिर जाती है, तो गिरजा कुमार माथुर, गिरजा कुमार माथुर यानी कि ए नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगला है जंगल का दर्द के रचनाकार कौन है? अब दोस्तों एक बात बताना, जंगल में बहुत सारे पौधे हैं
और जंगल का दर्द आपको कैसे पता चलेगा? कैसे चलेगा? जब आप क्या करोगे? सर्वे करोगे। बोले सर, जब हम सर्वे करने जाएंगे जंगल का दर्द क्या क्या है ना, तभी हमें जंगल का दर्द पता चलेगा। तो जंगल का दर्द की रचनाकार कौन है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। और सा नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाता है, सा नंबर, है ना। जंगल का दर्द सर्वे करना है, जंगल के दर्द का क्या करना है? सर्वे। तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। कितनी नाव में कितनी बार की रचनाकार कौन है दोस्तों? अब आप बोलोगे सर, मैं कितनी नाव में कितनी बार बैठा, सब अज्ञेय है। क्या है? अज्ञेय। कितनी नाव में कितनी बार? अज्ञेय। तो अज्ञेय यानी कि दा नंबर आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। अब दोस्तों आपको बताना है प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, आपको बताना है। ये दोस्तों इसी रचना के लिए मिला है इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार, कितनी नाव में कितनी बार के लिए, है ना, इसको याद रख लेना। और प्रयोगवाद के जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं, ये कमेंट में चैलेंज प्रश्न है, आपको लिखना है। गिरिजा कुमार माथुर, धर्मवीर भारती, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना या फिर अज्ञेय, कौन माने जाते हैं ये कमेंट में सभी लोग लिखेंगे। जितने लोग भी देख रहे हैं वीडियो को लाइक करें, और इसके पहले बहुत सारे वीडियो आपके डल चुके हैं दोस्तों, हिंदी साहित्य ट्रिकी वीडियो, मोस्ट इंपॉर्टेंट कई वीडियो डल चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देखें हिंदी साहित्य ट्रिक्स, है ना, तो जरूर देखेंगे। और जो भी साथी अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं उनके लिए 9098609291 ये नंबर है दोस्तों, आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएं, ठीक है। साथ ही टेलीग्राम ग्रुप IAS स्टडी ट्रिक, और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। जय हिंद।